आज की क्लास में बेटा हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है शेयर एंड शेयर कैपिटल। ठीक है, आज की क्लास सिर्फ बेसिक क्लास है जिसमें आपको मैं चीजों की मीनिंग्स बताऊंगा, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम क्या है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजंस एक्सेट्रा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल होता क्या है आखिरकार? ठीक, कैपिटल का मतलब होता है मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक, पहले तो आपको कॉमन सेंस के लिए बात पता होनी चाहिए। अगर आपका पैसा है तो आप ही का पैसा है, आप उसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो दो चॉइसेस है। एक तो या तो उस पैसे को आप डिपॉजिट कर दो। डिपॉजिट करने के बाद बैंक्स में अक्सर डिपॉजिट करना होता है या अपने विश्वसनीय के पास डिपॉजिट करना होता है जिसमें वो पैसा सेफ होता है। इसमें क्या होता है, पैसा मल्टीप्लाई नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता, जितना है उतना ही रहेगा। दूसरी आपके पास चॉइस होती है कि आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करने का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप इस पैसे के ऊपर रिस्क लेना चाहते हो, मतलब इस पैसे को इस ऐसी प्लेस पर देना चाहते हो जिससे आपने जो पैसा लगाया है वो तो रहे ही रहे, साथ में आपका कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी बनता रहे जिसको आप प्रॉफिट कह सकते हैं। तो बेसिकली इट्स ऑल डिपेंड कि आप रिस्क लाइफ में लेना चाहते हो कि नहीं। अगर आपके पास पैसे हैं, आपको लग रहा है तो आप पैसों को सिर्फ सेफ रखने के लिए डिपॉजिट कर सकते हो, और आपको लग रहा है कि इन पैसों से मैं बहुत और पैसे बना सकता हूं तो आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम ये मानते हैं कि बिजनेस ही वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहां पर रिस्क इन्वॉल्व होता है, मतलब आपका पैसा बढ़ सकता है। तो बिजनेस में पैसे को क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, और उस इन्वेस्टेड मनी को हम कैपिटल कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे आप ये कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप क्या कर सकते हो, हर तरह के बिजनेस में पैसा लगा सकते हो। जैसे अगर आपने ये पैसा सोल प्रोप्राइटरशिप में लगाया, अगर आपने पैसा सोल प्रोप्राइटरशिप में लगाया तो आप खुद कौन हो, बिजनेस के ओनर हो गए तभी लगा रहे हो, तो आपके पास पैसे का हिसाब है। ठीक बात है। अगर आप पार्टनरशिप में पैसा लगा रहे हो तो इसमें क्या होता है, सारा पैसा आपको नहीं लगाना है, आपका कंट्रीब्यूशन होता है, पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन कहलाता है, क्योंकि कुछ लोग हैं तो हिसाब किताब बना रहता है। ठीक है, अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो आपकी फैमिली का ही फंड यहां पे इन्वॉल्व है। ठीक, लेकिन अगर एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो यह माना जाता है कंपनी की तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, किसी एक की तो कंपनी है नहीं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी आकर पैसा लगा सकता है। तो सवाल यह है कि अगर कंपनी में पैसा आएगा तो आएगा कैसे, यहाँ पे कैपिटल कैसे लगाया जाएगा और कौन लगाएगा? तो नॉर्मली ये माना जाता है कंपनी में कैपिटल लगाने की परमिशन किसी भी पर्सन को दे दी गई है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है, कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका दिमाग सही है, आप साउंड माइंड के हो, आप 18 इयर्स के ऊपर हो और किसी लॉ में डिस्क्वालीफाई नहीं हो, तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आप कैपिटल लगा सकते हो, मतलब मनी इन्वेस्ट कर सकते हो। सवाल ये उठता है जब एनी बोला जाता है तो फिर कोई लिमिट नहीं रह जाती, कितने भी लोग लगा सकते हैं। मैं बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ, अभी आपको पब्लिक प्राइवेट कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी पैसा लगा सकता है और कोई लिमिट नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग पैसा लगाने आ जाएंगे। तो सवाल ये है कि कौन कितना लगाए और कैसे लगाए। तो किया ये जाता है कि यहां जो कैपिटल होता है उसके कंट्रीब्यूशन के लिए कॉमन डिनोमिनेशन बनाया जाता है, और किसी को भी अगर पैसा लगाना हो तो इन्हीं डिनोमिनेशंस में वो लगा सकता है। इन डिनोमिनेशन को शेयर्स बोलते हैं। जैसे मेरा एक शेयर अगर मैं बोलता हूं 1000 रुपए का है, तो अगर मेरी कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूट किसी भी पर्सन को करना है तो उसे इन शेयर्स को देना पड़ेगा। ये शेयर दिखते नहीं है, इन्हें आप छू और देख नहीं सकते, बस इन्हें आप समझ सकते हो कि कंपनी में पैसा लगाने के लिए कॉमन यूनिट है जिसे शेयर कहते हैं, उसकी एक कीमत है जो कुछ भी रखी जा सकती है। आप जब इन शेयर्स को खरीदते हो तो कंपनी में कैपिटल लग जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ मेरा नाम अजय है और मैंने अगर 6 शेयर खरीदे हैं, आपको कीमत बता दी गई है, 1 शेयर 1000 का है, तो ये माना जाएगा कि आपने कंपनी में 6000 रुपये लगाए। अब हो क्या रहा है बेसिकली कि ये जो पैसा आप लगा रहे हो बाय शेयर्स लगा रहे हो या शेयर खरीद के, मतलब टोटल कैपिटल में पूरे पैसे में आपका तो इतना हिस्सा बनता है, शेयर मतलब क्या हिस्सा ही तो होता है ना। तो क्योंकि ये कैपिटल शेयर से आ रहा है तो इसे हम टर्म देते हैं शेयर कैपिटल।
तो इस बात पे आप फोकस कर दो कि कंपनी में जो कैपिटल जाने का तरीका है वो होता है शेयर कैपिटल। अब जरा हमारे चैप्टर का नाम पढ़ दो, क्या है शेयर? शेयर मतलब वो यूनिट्स है जिसमें कैपिटल डिवाइडेड है। शेयर बेचकर कंपनी ने जो पैसा गैदर किया उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं। फ्रॉम द वेरी बेस आपको हर एक बात मैं बता रहा हूँ, अब बहुत ध्यान से सुनना और अच्छे से सीखना, ठीक है? तो ये शेयर कैपिटल होता है। अब शेयर कैपिटल का अगर मैं मीनिंग बोलूं तो क्या होगा? ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स। इशू मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। जब आप बेचने के लिए पब्लिक को ऑफर करते हो अपने शेयर तो उसे इशू बोलते हैं। तो जब शेयर इशू करके पैसा या कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट होता है तो उसे शेयर कैपिटल बोलते हैं। इस शेयर कैपिटल के अपने अलग अलग हिस्से होते हैं, आपको मैं हिस्सा बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है? इसे नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है, नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है। इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है, ठीक है? ऑथराइज, नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल का बेसिकली यहाँ पे क्या वर्ड भूल गया मैं, शेयर कैपिटल लिखना भूल गया ना। तो अब ध्यान रखना, ऑथराइज कैपिटल या ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है? ये वो लिमिट है अप टू विच शेयर्स कैन बी इशूड। एक लिमिट जिस हद तक शेयर इशू किए जा सकते हैं, एंड इज मेंशनड इन कैपिटल क्लॉज, एंड इज मेंशनड इन कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। किसी भी कंपनी के दो ही बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, एक का नाम होता है मेमोरेंडम और दूसरे का नाम होता है आर्टिकल। तो मेमोरेंडम का जो कैपिटल क्लॉज होता है उसमें जो लिमिट मेंशन की जाती है उसे ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। और आपने यहाँ जितना मेंशन कर दिया है आप उतना ही कैपिटल कंपनी में ला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल एमओए में लिखा हुआ है द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 20 लाख रुपीज। तो इससे आपको ये समझना होगा कि कंपनी मैक्सिमम कितना कैपिटल ला सकती है, 20 लाख रुपए ला सकती है अपना बिजनेस चलाने के लिए। लाएगी कैसे? तो आगे लिख देता है डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो इससे आपको ये समझना होगा ये 20 लाख जो रुपए है इसको लाया कैसे जाएगा। 2 लाख शेयर बेच के लाया जाएगा, हर शेयर 10 रुपए का है, तो 2 लाख × 10 करने से कितना होगा? 20 लाख रुपए होगा। तो ऑथराइज कैपिटल क्या करता है, एक लिमिट बता देता है कि आप इतना शेयर बेचने के लिए ऑथराइज हो, जितना शेयर बेचोगे कंपनी में उतना कैपिटल आएगा। अब सपोज करो आप इस लिमिट को टच कर दिए, आपके मान लो 2 लाख शेयर बिक गए, ठीक है? 2 लाख शेयर बिक गए, आपके पास 20 लाख रुपए गैदर हो गया। अब आपको और चाहिए पैसा, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल के लिमिट बढ़ानी होगी। ये फिक्स नहीं है, इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या था, वो कैपिटल जो शेयर बेचकर आपने जुटाया है। इसके अपने फॉर्म्स हैं, जैसे सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल कि जब कंपनी बनी तो आपको एक मैक्स लिमिट बतानी होती है कि आप बिजनेस को चलाने के लिए कितना कैपिटल ला सकते हो और उसके लिए कितने शेयर मैक्सिमम बेच सकते हो। जितना आपने प्रिस्क्राइब किया आप उतना ही बेच सकते हो, और अगर उस लिमिट को एक्सीड करना है तो पहले अपना ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। अब जब आपको फर्स्ट फॉर्म समझ आ जाए तो फिर दूसरा आता है इशूड कैपिटल, ठीक है? अब सब एक दूसरे के पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है? इशूड कैपिटल क्या है? तो इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल, इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल इशूड टू पब्लिक फॉर परचेज। ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो आपने पब्लिक को इशू किया है, इशू मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल मतलब आप पब्लिक को ना ये शेयर्स बेचने की बात कर रहे हो,
ठीक है, तो पब्लिक को क्यों कर रहे हो, ताकि पब्लिक खरीद ले इसको। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है, उसको इशूड कैपिटल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना था, हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल था 2 लाख शेयर। 2 लाख शेयर मैक्सिमम हम बेच सकते हैं, 1 शेयर 10 रुपए का है, और इससे कितना रुपए गैदर हो सकता है, 20 लाख। अब जरूरी थोड़ी ना है कि एक बार मैं पूरे 2 लाख शेयर ऑफर कर दो। आपने क्या किया, 2 लाख में से अभी 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, ठीक है, पब्लिक को ऑफर करने की बात करिए, और आप अभी 10 लाख रुपए इकट्ठा करना चाह रहे हो अपने बिजनेस के लिए। तो अभी 10 लाख कर रहे हो, तो बाकी आपके पास 1 लाख शेयर बच जाएंगे, उसको बाद में बेच देना। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल में जो लिमिट है, उसमें से आपको क्या है, पब्लिक को ऑफर करना होगा। तो आप जितना ऑफर कर रहे हो, आपका इशूड कैपिटल बनेगा। अब जब आपने पब्लिक को ऑफर किया, तो पब्लिक इंटरेस्ट भी देगी, तो पब्लिक आपके शेयर्स को खरीदेगी भी, तो ये हो जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल किसका पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल ऑफर्ड, पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। यहां सब्सक्राइब का मतलब होता है परचेज। आपने जितना ऑफर किया, उसमें से जितना पब्लिक ने खरीदा, उसे सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं कि आपने इशू किया था कैपिटल कितना, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, आप 10 लाख रुपए इकट्ठा करने वाले थे, तो ये तो आपका ऑफर था। क्या जरूरी है पब्लिक पूरा खरीद ले, पब्लिक को जितना जरूरी लगेगा वो खरीदेगी। तो इसमें से पब्लिक ने क्या किया, 90,000 शेयर खरीदे एट द रेट ऑफ ₹10। तो आपने तो ऑफर किया था 1 लाख शेयर, ठीक है, लेकिन पब्लिक ने खरीदे 90,000, तो आपके 1 लाख के इशूड कैपिटल में से सब्सक्राइब कितना हुआ, 90,000, 10 लाख जो है वो अनसब्सक्राइब रह गया, तो कंपनी ने इकट्ठा किया 9 लाख रुपए, ठीक है। तो देखो सब एक दूसरे के पार्ट है। जो आपने लिमिट बताई थी वो आपका ऑथराइज कैपिटल था, उसमें से जितना पब्लिक को ऑफर किया गया वो इशूड कैपिटल है, उसमें से पब्लिक ने जितना खरीदा वो सब्सक्राइब कैपिटल है। अब उसके बाद जो आता है वो आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या है, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑलरेडी पेड, जितने का पैसा आ गया है उसको आप पेड अप कैपिटल बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब करे, सब्सक्राइब कैपिटल 90,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, आप बोल रहे हो 90 लाख इकट्ठा हो रहा है आपके पास, लेकिन अभी पब्लिक ने क्या किया है, 10 रुपए में से केवल 7 रुपए की, या मैं बोलता हूँ चलो 5 रुपए की पेमेंट करी है, 5 रुपए पेड किया है, और 5 रुपए अभी भी अनपेड है। तो आप अपना कैपिटल 90 लाख बेशक शेयर शो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अभी 5 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट हुई है, मतलब आपको एक यहाँ पे ना ग्रामेटिकल में शायद एरर कर रहा हूँ, ये 1 लाख हो गया सब्सक्राइब, 9 लाख हो गया, यहाँ पे 9 लाख होगा ना, ऐसे में 90 लिख दिया, मेरी गलती है, 9 लाख है ना। तो 5 रुपए के हिसाब से पेड हुआ है, 5 अनपेड है, तो आपके पास अभी 4.5 लाख रुपए आया है, 4.5 लाख रुपए आया है, और 4.5 लाख रुपए अभी आना बाकी है, ठीक है, 4.5 लाख रुपए आना बाकी है। तो ये जो आ गया है 4.5 लाख, इसको तुम बोलोगे पेड अप कैपिटल, ठीक। होता यही है कि जैसे आप जितना भी रेट रखते हो शेयर का, कई लोग एक बार में पूरा पैसा दे देते हैं, कई लोग पहले अप्लाई करते हैं तो थोड़ा अमाउंट देते हैं, फिर कॉल पे देते हैं, फिर अलग से देते हैं। तो जितना पैसा ऑलरेडी आ गया है उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं, और जो नहीं आया है वो क्या कहलाएगा, आपका अनपेड कहलाएगा। तो यहाँ पे अभी हमारा 4.5 लाख पेड है, 4.5 लाख अनपेड है, तो ये जो अनपेड कैपिटल है, ये जो मेरा अनपेड कैपिटल है, ठीक है, इसके दो हिस्से मैं बना सकता हूँ। एक मैं बोल सकता हूँ कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप मतलब जो मंगाया गया है, मतलब कंपनी डिमांड कर रही है कि इतना पैसा पे हुआ है, अभी अनपेड है ना, पे नहीं हुआ है ना, इतना पैसा 4.5 लाख रुपए ऊपर जो बताया वो नहीं आया। देखो पब्लिक ने 90,000 शेयर खरीदे थे 10 रुपए के, 9 लाख रुपए आना चाहिए था। पब्लिक ने अभी कितना पे किया, 5 रुपए के हिसाब से, 4.5 लाख रुपए आ गया है, अभी 4.5 लाख आना बचा है। तो उत्तर कॉल किया जाएगा ना, मंगाया जाएगा, तो उसे कॉल्ड अप बोलेंगे,
और अगर नहीं मंगा रहे हो तो उसे हम बोलेंगे अनकॉल्ड, अनकॉल्ड कैपिटल। एग्जाम्पल के तौर पे अभी पब्लिक का ड्यू कितना है, तो उन्होंने शेयर कितने खरीदे भाई, 90,000 शेयर खरीदे थे, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, 10 रुपए का शेयर था, अब इसमें से 5 रुपए तो पेड हो गया था तो कोई इशू नहीं है, अब बचा 5 रुपए था अनपेड है, ठीक। अब कंपनी क्या चाह रही है कि अभी 3 रुपए लोग दे दें, तो 3 रुपए जो कंपनी है मंगा रही है पब्लिक से, तो इसे कॉल्ड अप बोलोगे, और अभी भी 2 रुपए बच जा रहा है तो ये अनकॉल्ड है, ये अनकॉल्ड है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज आई होप समझ आ रही है, इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जितना मंगा रहे हो कॉल्ड अप, और अभी जो नहीं मंगाए हो अनपेड में से वो अनकॉल्ड है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो चीज लिख रहा हूँ वो ध्यान रखो, आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ रिजर्व कैपिटल का, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ रिजर्व कैपिटल का, ठीक है। रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, तो इट इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, मतलब जो पैसा नहीं मंगाया गया है, विच शैल बी कॉल्ड ओनली ऑन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ओनली ऑन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। ऐसा पैसा जो तभी मंगाया जाएगा जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा होगा या कंपनी बंद हो रही होगी, तो उसे हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, ठीक है। वाई सर ऐसा क्यों, तो भाई कैपिटल मंगाया क्यों जा रहा है कंपनी में, बिजनेस को रन करने के लिए तो मंगाया जा रहा है ना, बिजनेस को रन करने के लिए मंगाया जा रहा है। हर बिजनेस में चांस होता है प्रॉफिट का भी और चांस होता है लॉस का भी। लॉस अगर है तो आपको सारी लाइबिलिटीज तो पे करनी ही होगी, तो कई बार क्या करती है कंपनियां, अपने कैपिटल में से कुछ अमाउंट जो अनकॉल्ड होता है उसको रिजर्व कर देती कि भैया आगे अगर कोई कंटिजेंसी हो गई तब हम ये पैसा मंगाएंगे, उसके पहले नहीं मंगाएंगे, तो उसे हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। लेट अस रिव्यू, हमने अभी क्या क्या पढ़ा है, तो हमने शेयर कैपिटल का मतलब पढ़ा, इसके अलग अलग कैटेगरी पढ़ी, जितने कैपिटल से आप रजिस्टर्ड हो ऑथराइज है उसका वो हिस्सा जो पब्लिक को आपने ऑफर किया वो इशूड है, पब्लिक ने जितना खरीदा वो सब्सक्राइब है, पब्लिक ने जितने का पैसा दिया वो पेड अप, जितने का नहीं दिया अनपेड, अनपेड में से जितना पैसा भी आप मंगाना चाह रहे हो एज अ कंपनी वो कॉल्ड अप, और जो नहीं मंगा रहे हो अनकॉल्ड। अनकॉल्ड का वो हिस्सा जो वाइंडिंग अप पे ही मंगाया जाएगा वो क्या है, रिजर्व कैपिटल है, ठीक है। ये पहला आपको बेसिक शेयर कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। आगे जो बोल रहा हूँ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, सेक्शन 60 जो है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का, वो ये कहता है कि हर कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरी कंपनी शैल मेंशन इट्स ऑथराइज शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल इन इट्स लेटर हेड, बिल बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स एक्सेट्रा। सेक्शन 60 साफ साफ कहता है कि हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब उसके लेटर हेड होता है जो कंपनी का, या उसकी बिल बुक होती है, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें कंपनी को अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल मेंशन करना होता है। ये सेक्शन 60 आप मत भूलना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको शेयर कैपिटल का मतलब बताया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब आप समझो शेयर का मतलब, आप शेयर का मतलब समझो, ठीक है, बहुत आराम से समझना। शेयर क्या है, तो शेयर का मतलब जनरल इंग्लिश में होता है पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन को शेयर कहते हैं, ठीक है। अब अगर इसको कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स इन विच कंपनी कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड, इज डिवाइडेड। अब अगर मैं जनरल इंग्लिश और लॉ को मिला हूं तो हो क्या रहा है, आप ये सीखो, जैसे आप पार्टनरशिप बिजनेस अगर करते, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते तो ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 5 लोग होते, तो ये अपना पार्टिसिपेशन डायरेक्ट दिखा सकते हैं, इतना इतना हमने लगाया है। लेकिन जब आप कंपनी बनाते हो तो इसमें जो होता है पैसा लगाने वालों की लिमिट ही नहीं है, नो लिमिट है,
तो किसका कितना पार्टिसिपेशन होगा, ये कैसे असर्टेन करेंगे, कैसे जानेंगे कि किसका कितना पार्टिसिपेशन है? तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है कि लेट अस ब्रिंग कैपिटल पार्टिसिपेशन, इसको आप कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो ना, कंट्रीब्यूशन, कंट्री करना बोलते हैं ना, कंट्रीब्यूशन इन फॉर्म ऑफ कॉमन यूनिट्स अवेलेबल टू ऑल, अवेलेबल टू ऑल एंड कैन बी ट्रांसफरेबल, कैन बी ट्रांसफरेबल। तो ये डिसाइड किया गया कि कंपनी में जैसे पार्टिसिपेशन कराना है, कंट्रीब्यूशन कराना है, तो एक कॉमन यूनिट बना लिया जाए जो सबके लिए अवेलेबल होगा, मतलब कोई भी परचेज कर सकेगा और लगे तो ट्रांसफर भी कर सकेगा। तो इस इंटेंशन के साथ क्या किया गया, शेयर का कंसेप्ट आया, शेयर का कंसेप्ट आया। अब ये शेयर का कंसेप्ट जब आया तो इसमें क्या किया गया, ये रूल ला दिया गया कि कंपनी में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, कैपिटल इन्वेस्ट करना है, तो आपको कंपनी के शेयर खरीदने होंगे। ठीक है, वर्ड मेरा सुनना, क्या करने होंगे, सब्सक्राइब करने होंगे, खरीदने होंगे। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जब आप शेयर खरीदते हो तो जो कंपनी की तरफ से बेस्ट फैसिलिटीज हैं जो एक इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए वो आपको मिलना शुरू हो जाती है, इसलिए यहाँ पे सब्सक्राइब वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसकी एक वैल्यू रख दी जाती है, जैसे फेस वैल्यू बोला जाता है, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, ये कितनी भी हो सकती है, इसको हम पार वैल्यू या फेस वैल्यू कहते हैं। आपको बस ये वैल्यू देखनी होती है और उस वैल्यू को देखकर क्या करना होता है, पैसा लगाना होता है या कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, अब आपको अगर इतनी बार समझ आ गई है तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ये शेयर का फॉर्म कैसे होता है या फॉर्मेट कैसे होता है। तो आप जब किसी कंपनी में शेयर परचेज करते हो तो ये दो फॉर्मेट्स में आपको मिल सकते हैं, एक तो फिजिकल फॉर्मेट होता है, ठीक है, एक होता है फिजिकल फॉर्मेट। फिजिकल फॉर्मेट में क्या किया जाता है कि जैसे आप शेयर खरीदते हो तो जितने भी शेयर आपने खरीदे हैं उसका आपको शेयर सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाता है, शेयर सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाता है जो इस बात का प्रूफ है कि आपने कंपनी में शेयर खरीदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमित नाम का एक पर्सन है, उसने कंपनी में 10 शेयर खरीदे हैं ऑफ 20 ईच, 20 रुपए ईच के शेयर खरीदे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब इसने खरीदा है तो कुछ समय में अमित के घर में एक सर्टिफिकेट आएगा जिसमें कंपनी की सील लगी होगी, यहाँ पे अमित का नाम लिखा होगा, लिखा होगा दिस इज टू सर्टिफाई दैट अमित ने 10 शेयर खरीदे 20 रुपए के। अमित को ये सर्टिफिकेट संभाल के रखना है क्योंकि यही प्रूफ है कि उसने कंपनी में क्या है, शेयर खरीदे हैं। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मेट है, दूसरा शेयर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को हम जो है वो बोलते हैं डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट या डीमैट फॉर्मेट कहा जाता है। ठीक है, और इसको मैं रिफाइन करके बोलूं तो इसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं, ये शब्द आप सबने सुना होगा कभी ना कभी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है इस फॉर्मेट में कि अगर अमित है उसने अगर 10 शेयर खरीदे हैं और मैं ये बोलता हूँ कि ये 20 रुपए ईच के शेयर हैं, 20 रुपीज ईच के शेयर हैं, तो फिर इसको सर्टिफिकेट ना देकर इसका एक डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खोल दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, क्रेडिट साइड में अकाउंट के इसके 200 रुपए दिखते रहेंगे, मतलब 10 शेयर एट द रेट ऑफ ₹20 ईच। ठीक, तो आप जब शेयर खरीदने जाओगे तो आपके पास दोनों फॉर्मेटिंग है, फिजिकल फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डीमैट अकाउंट आपका खोल दिया जाता है। अक्सर जो प्राइवेट कंपनियां होती है जहां कम शेयर होल्डर होते हैं वो फिजिकल फॉर्मेट पे जाती हैं, और जो कंपनियां शेयर बाजार में रजिस्टर्ड है, जिन्हें लिस्टेड कंपनी कहा जाता है, वो डीमैट अकाउंट खोलती हैं आपका। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आप शेयर खरीद रहे हो, आपको ये तो समझ आ गया कि आप पैसा लगाने वाले हो, तो आप को देखकर या आपकी मेंटालिटी को देखकर, आपकी रिस्क प्रोफाइल को देखकर क्या किया जाता है, शेयर्स की ना दो टाइप्स या कैटेगरी बना दी गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं आपका इन्वेस्टमेंट का मोटिव क्या है, आपका लॉन्ग टर्म विजन है,
आपका मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म विजन है, आप बोलते हो आप रिस्क ले सकते हो, यू कैन टेक रिस्क, ठीक है। आप हमेशा याद रखना, रिस्क वो लेता है जो आगे बढ़ना चाहता है। आपको लग रहा है कि आप रिस्क ले लोगे, मतलब ये है कि पैसा लगा दे रहे हो, अगर प्रॉफिट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। आप अगर आप इस बात के लिए तैयार हो तो आपके लिए जो शेयर्स बने होते हैं उन्हें इक्विटी शेयर्स कहा जाता है, उन्हें इक्विटी शेयर कहा जाता है। इक्विटी का मतलब ही होता है रिस्क प्लस रिवॉर्ड, रिस्क प्लस रिवॉर्ड। ये ऐसे शेयर्स होते हैं जो आपको कंपनी में ओनरशिप ऑफर करते हैं। तो अगर आपने, जैसे एक कंपनी है मैं बोलता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें अगर आपने 50 इक्विटी शेयर खरीद लिए, ठीक है, एट द रेट ऑफ, मैं बोलता हूँ कोई भी एक रेट दे देता हूँ, 1000 ईच, तो इसका मतलब क्या होगा पता है, आपने कंपनी में 50,000 रुपीज लगाया है, 50,000 रुपये लगाया है, 50,000 रुपये के साथ आप इस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो गए हो। और इक्विटी शेयर होल्डर होने का मतलब अब ये हो जाएगा कि यहाँ पर आपको ओनरशिप बेनिफिट्स मिलेंगे, ओनरशिप बेनिफिट्स मिलेंगे। ओनरशिप बेनिफिट मिलने का मतलब क्या, डिसीजन मेकिंग में आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, डिसीजन मेकिंग में आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, जिसे डिविडेंड बोलेंगे। कितना, तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ज्यादा हुआ तो ज्यादा, कम हुआ तो कम, ठीक। आपको कंपनी के साथ लॉस बियर करना पड़ेगा, आपको लॉस सहना पड़ेगा, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो आप भी लॉस में जाओगे, ठीक है। आपको जब तक लग रहा है आप इन शेयर्स को रखो, आपको लग रहा है कि आपको ये शेयर नहीं चाहिए, तो कंपनी आपको रिफंड नहीं करेगी पैसा, आप इनको ट्रांसफर कर सकोगे, ट्रांसफर कर सकोगे। आप याद रखना, जिसके नाम पे इक्विटी शेयर होते हैं वही ओनर होता है, और अगर उसने अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करना है तो बिल्कुल कर सकता है। तो अगर आप रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हो तो आपके लिए बेस्ट है कि आप किसी कंपनी में इक्विटी शेयर खरीदो। तो मैं कैसे क्या बोल रहा हूँ, कंपनियां भी आपकी रिस्क प्रोफाइल देखती हैं। अगर आप रिस्क टेकिंग हो, आप जुड़ना चाहते हो कंपनी से, ऐसा कि जब कंपनी बढ़े तो आप भी बहुत आगे तक जाओ, आपका दूर का सपना है, तो आपके लिए इक्विटी शेयर है। और यदि आप थोड़ा सा रिस्क कन्वर्सिव हो, रिस्क कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव होने का मतलब यह है कि आप ज्यादा रिस्क ले नहीं सकते, आपका शॉर्ट विजन है, कहने का मतलब है आप सेफ रहना चाहते हो, पैसा भी लगाना चाहते हो और सेफ भी रहना चाहते हो, तो आपके लिए जिस वैरायटी के शेयर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। यहाँ पे प्रेफरेंस वर्ड का एक्चुअल में कोई मतलब तो नहीं है, इसका मतलब बस इतना है कि द होल्डर इज नॉट द ओनर, जो प्रिफरेंस शेयर खरीदेगा ओनर नहीं है, एंड शैल गेट प्रिफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ, मैं बोल दिया ओनर नहीं है, देखो मालिक नहीं है, है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कहने का मतलब है इनको एक फिक्स अमाउंट निकाल के पहले दे दिया जाएगा। दूसरा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये ओनर नहीं है तो इनका कैपिटल हम हमेशा नहीं रख सकते, इनका कैपिटल भी आपको रीपे करना होगा या वापस करना होगा। तो आपकी चॉइस है, आपको कैपिटल लगाना है ना, आप रिस्क ले सकते हो, बिजनेस में ओनर बन जाओ, बहुत कमाओगे, आप इक्विटी शेयर खरीदो। और आपको ये लग रहा है ना कि बेसिकली आप ओनर नहीं बनना चाहते हो कंपनी में, ठीक है, आप सिर्फ क्या चाहते हो, कंपनी से जुड़े रहने चाहते हो पैसा लगा के, तो आप प्रेफरेंस शेयर खरीदो। इसमें क्या होगा, प्रॉफिट में से आपको एक हिस्सा फिक्स दिया जाएगा और आपका कैपिटल भी रिफंड हो जाएगा या वापस हो जाएगा। तो इससे आपको ये पता होना चाहिए कि जो शेयर्स हैं उनके दो टाइप्स हो गए, कौन कौन से हो गए, इक्विटी शेयर हो गया एंड प्रेफरेंस शेयर हो गया, ये दो टाइप हो गए हमारे शेयर्स के, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा इतना है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में आगे बढ़ेंगे और आगे करेंगे।